हे गाइस वेलकम टू स्पार्टन सब्स। आई होप गाइस अच्छे होंगे। सर लिटरली ये वीडियो बनाते हैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आपको याद होगा 1.5 का जब बीटा अपडेट हम लोग का आया था पबजी मोबाइल के अंदर, तो एक बटन लीक होकर आया था जिसका नाम है पीगी बैग, जो कि आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे हो। और ये देख के हम लोग का आइडिया हो गया था कि हम लोग किसी को कैरी कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, बट वो अपडेट में इसको टेक डाउन कर दिया गया और उसके बाद हम लोग को इसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। बट फाइनली पबजी पीसी, जी आपको पता कुछ भी फीचर आता सबसे पहले पबजी पीसी में आता है, उसी के बाद हम लोग मोबाइल में देखने को मिलता है। तो फाइनली PUBG PC का जो पैच नोट है उसमें ये फीचर को पूरा दिखा दिया है कैसे यूज होने वाला है, और आपको आइडिया हो जाएगा कि एक दो वर्जन में ही हम लोग PUBG मोबाइल में भी ये जो फीचर आपको देखने को मिलेगा। और ये फीचर काफ़ी ओपी है। अगर आपका टीममेट जोन के बाहर थोड़ा सा दूर में ही नॉक हो गया है और वो ड्रैग करके नहीं आ पा रहा, तो उसको आप कैरी करके जोन के अंदर ला सकते हो, उसके बाद आप रिवाइव भी दे सकते हो। और यही नहीं, इसके साथ साथ और भी एक्साइटिंग चीज़ है, चलो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखो ये वीडियो में मैं आपको PUBG PC का कंप्लीट पैच नोट दिखाने वाला हूँ, बट आपको पता है जो जो फीचर्स PUBG PC में आता है वो कभी ना कभी हम लोग का मोबाइल वर्जन में आता है, और ये चीज़ तो कंफर्म भी हो गया था क्योंकि हम लोग का जो ग्लोबल बीटा था उसी में ये बटन बोल सकते हैं लीक होकर आ ही चुका था। तो आपको पता है कि मोबाइल वाला भी इसके ऊपर काम कर रहा है, पर PC वाला जल्दी होता है क्योंकि सबसे पहले PC में ही आपको ये सब चीज़ देखने को मिलता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कंप्लीट पैच नोट, और ये पैच नोट मोबाइल यूज़र के लिए भी है क्योंकि बहुत ही जल्दी आपको गेम के अंदर देखने को मिलेगा। जरिए काफ़ी ओपी चीज़ है, चलो मैं आपको एक एक समझाता हूँ ये कैरी फीचर कैसे काम करेगा। और इसमें PUBG PC में हेलोविन वीक भी कुछ आने वाला है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं पैच रिपोर्ट अपडेट 14.1, और न्यू फीचर आपको दिखाया जाएगा जिसका नाम है कैरी न्यू फीचर। ठीक है, अब आप अपने टीममेट को कैरी कर सकते हो अगर नॉक हो गया, और उस टाइम आप रिवाइव दे नहीं सकते क्योंकि जोन सामने आ रहा है, तो आप ऐसे करके उसको कैरी कर सकते हो, एक बटन मिलेगा। बट इसमें एक खराबी ये है कि आप ना ही प्रोन हो सकते हो, ना ही क्राउच हो सकते हो, ना ही कुछ थ्रोबेल यूज़ कर सकते हो, और उसके साथ साथ स्प्रिंट भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि भाई ये जो आप कैरी फीचर कर रहे हो, आप अपने टीममेट को कैरी कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बहुत सारा जो एक्शन होगा वो बंद हो जाएगा। और इवन सबसे बेहतरीन बात ये है कि आप एनिमी को जैसे नॉक किए उसको खत्म मत करो, उसको कैरी करो, उसको बेट जैसा यूज़ कर सकते हो। कैसा, चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो आपने कोई एनिमी को नॉक किया और आपके पास वो आके गिरा हुआ है, तो उसको खत्म मत करो, उसको एज अ शील्ड यूज़ करो। कैसे, मान लो आपको जोन के अंदर जाना है, उसी का टीममेट आपको मारने के लिए रेडी है, तो उसको आप अपने कंधा में ले लो। अगर वो फायर करता है आपके ऊपर तो ऑटोमेटिकली आप उसका टीममेट के ऊपर ही फायर जाएगा, क्योंकि वो आपके बैक में है, और एक तरह का शील्ड जैसा आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, दो तीन चीज़ आपको दिमाग में रखना होगा, वो जो स्पीड होगा ऑब्वियसली स्लो होगा, ना ही आप मेडिकेट यूज कर सकते हो, थ्रोबल यूज कर सकते हो, ना ही प्रोन कर सकते हो, क्राउच कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली आप किसी को कैरी कर रहे हो और उसका भी वेट रहता है। एक्चुअली आपको पता है कि ये रियल लाइफ से रिलेट करता था, इसलिए ये फीचर यूजफुल है, सोच समझ के यूज़ करना होगा, और बहुत ही जल्दी आपको पबजी मोबाइल में भी ये चीज़ देखने को मिलेगा। हाँ, मुझे लगता है ये चीज़ आने के बाद बहुत ज़्यादा ही गेम में चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारा जो ऐसा बंदा जो थोड़ा के लिए रिवाइव नहीं हो पाता या जोन के चलते मर जाता है, ये परफेक्ट चीज़ है, आप उसको कैरी करो, जोन के अंदर ले आओ, उसका रिवाइव कर सकते हो। तो ये चीज़ के लिए परफेक्ट पूरा टीम भी चाहिए, नहीं तो पता चला उसको बचाने के चलते आप खुद मर गए थे। और ये देखो एक परफेक्ट एग्जांपल कैसे ये फीचर को यूज़ किया जा रहा है, BRDM यूज़ हो रहा है, उसके साथ साथ आप देख पर एक कवर फायर दिया जा रहा है, और उसके साथ साथ एक जन कैरी कर रहा है। तो ये बहुत काफ़ी अच्छा चीज़ मुझे लगा, जो कि बहुत ही जल्दी मुझे जितना लगता है एक दो वर्जन में BGMI के अंदर PUBG मोबाइल के अंदर देखने को मिलेगा, कि ये जो फीचर या ये जो बटन ऑलरेडी लीक होकर आ चुका है, आपको समझ आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं काम कर ही रहा था इसके ऊपर, और PUBG PC ऑब्वियसली सबसे पहले आपको देखने को मिला। और इसके साथ साथ एक चीज़ मैं मिस कर दिया, अगर आप किसी को कैरी करते हो ना, तो उसका जो ब्लीडिंग होता है, नॉर्मल जो गिरा रहता है जब ब्लीडिंग होता है, हेल्थ घटते रहता है, उससे थोड़ा बहुत और कम हो जाता है, तो ब्लीडिंग होगा आपका फ्रेंड का थोड़ा कम, जैसे आप कैरी कर लोगे और थोड़ा देर और वो सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। उसके त्यागो मैप जो है PUBG PC का, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस है, तो वो समझ के कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो अभी तक अभी हम लोग का BGMI में और वो सब PUBG मोबाइल में आया ही नहीं। मैं आपको कैसे आपको मैं समझाऊँ, चलो थोड़ा इसको स्किप करते हैं। बट उसके साथ इरेंगे में भी कुछ चेंजेस है, जैसे कि आप देख पर कोचिंग की साइड में अभी दो टनल आपको दिख रहा है पानी वाला, जैसे घटका में है पहले एक था, अभी दो दो आपको दिख रहा है। उसके साथ साथ जो चर्च एरिया है कोचिंग का, उसमें आप देख पर गेट लगा दिया गया, तो थोड़ा बहुत इधर चेंजेस किया गया, घर में भी थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज किया गया, तो वो चीज़ जब आएगा वो गेम में हम लोग देख लेंगे। और उसके साथ साथ आप देख पा रहे हैलोवीन के लिए सजाया गया कम्प्लीटली इरेंगल, ये केवल PUBG PC में ही रहेगा, पहले बता देता हूँ। बहुत प्यारा सा लग रहा है ये गन, जैसे कि आप देख पा रहे हैलोवीन गन M416, उसके साथ साथ ये पूरा थीम रहेगा। ठीक है, ये केवल PUBG PC में रहेगा, बट जितना भी फीचर इससे पहले मैं बताया वो PUBG मोबाइल में भी आने वाला, जैसे आपका पिक एंड कैरी वाला, उसके साथ साथ जो पोचिंग की का जो मॉडिफिकेशन वो कभी ना कभी आपको देखने को मिलेगा गेम के अंदर, BGMI के अंदर एंड PUBG मोबाइल के अंदर भी। तो अब ओवरऑल कैसा लगा ये वीडियो, मेरे को अगर चांस मिलेगा तो मैं डेफिनेटली आपको एक प्रैक्टिकल बोल सकते खुद खेल के दिखाऊंगा ये फीचर कैसे काम करेगा,
कितना स्पीड में दौड़ेगा वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, बट उसके लिए टेस्ट सर्वर डाउनलोड करना होगा। मेरा नेट थोड़ा स्लो है और मुझे नहीं लगता अभी टेस्ट सर्वर चालू हुआ होगा। ठीक है, तो चलो इतना रखते हैं वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे। टेक केयर, बाय बाय।